एवरीवन, मंथन पॉइंट ट्यूटोरियल्स में पुनः आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनमुन शर्मा। इस वीडियो में हम लोग भस्म के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग भस्म की परिभाषा पर आते हैं। भस्म की परिभाषा बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से दिया है, जिसमें दो वैज्ञानिक का परिभाषा महत्वपूर्ण और सार्थक समझा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग आर्हेनियस साहब का परिभाषा पढ़ते हैं। आर्हेनियस साहब ने अम्ल की भी परिभाषा दिया और भस्म का भी परिभाषा दिया। आर्हेनियस साहब भस्म का परिभाषा दिए थे, ऐसे यौगिक जो जलीय घोलों में हाइड्रोक्सीलायन OH माइनस, हाइड्रोक्सीलायन को हम लोग OH माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं हाइड्रोजन आयन का मतलब हुआ H प्लस, हाइड्राइड आयन का मतलब हुआ H माइनस, और हाइड्रोक्सिल आयन का जो फॉर्मूला होता है वह OH माइनस होता है। तो उन्होंने क्या परिभाषा दिया कि ऐसे यौगिक जो जलीय घोलों में हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस देते हैं उन्हें भस्म या क्षारक कहते हैं। भस्म को हम लोग क्षारक भी कहते हैं। तो यह जो परिभाषा है वह आर्हेनियस साहब के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट एक और, यह दो नाम है ब्रॉन्स्टन लॉरी, हमने अम्ल की परिभाषा भी जब बताया था तो वहां पे इनका चर्चा किया था। ब्रॉन्स्टन और लॉरी दोनों हस्बैंड वाइफ थे और इन्होंने भस्म का परिभाषा दिया। भस्म वह पदार्थ है जो किसी अम्ल से प्रोटॉन ग्रहण करता है। अम्ल से प्रोटॉन ग्रहण करने वाला भस्म होगा, लेकिन भस्म को प्रोटॉन प्रदान करने वाला जो पदार्थ होगा उसको हम लोग अम्ल कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे परिभाषा देख सकते हैं, भस्म वह पदार्थ है जो किसी अम्ल से प्रोटॉन ग्रहण करता है। हम लोग बहुत सारा भस्म का आगे चल करके उदाहरण लिखेंगे। यहाँ पे कुछ उदाहरण हम लिखे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका फॉर्मूला होगा CaOH ट्वाइस, यह नहीं रहेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH होगा। ऐसे ही हम लोग बहुत सारा आगे चल करके लिखेंगे। एक और गौर करने वाली बात है, जल में घुलनशील भस्म को हम लोग क्षार कहते हैं। ध्यान रहे कि जो भस्म या जो क्षारक जल में घुल जाता है, विलीन हो जाता है, उसको हम लोग क्षार कहते हैं। तो कुछ इसका हम लोग उदाहरण लिखे हैं, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2S मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इरेट्सेट्रा। ऐसे ही हम लोग और भी उदाहरण लिख सकते हैं। आगे हम लोग आते हैं भस्म या क्षारक के गुण पर, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। जैसे हम लोग अम्ल का गुण लिखे थे वैसे ही भस्म का हम लोग यहाँ पे गुण लिखने जा रहे हैं। अम्ल में हम लोग लिखे थे कि अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। भस्म में ठीक उसका उल्टा होगा कि यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। हमने आपको लिटमस पत्र के बारे में बताया था, मेथिल ऑरेंज के भी बारे में बताया था, बहुत सारे पदार्थ के बारे में बताया था जिसको हम लोग सूचक कहते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग किसी पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय या लवणीय होने की हम लोग जांच करते हैं, तो उसी को हम लोग सूचक कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। आगे चल करके हम लोग उसका परिभाषा लिखेंगे। तो इसमें का प्रथम जो गुण है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है।
ठीक अम्ल का उल्टा। दो नंबर, हम लोग अम्ल में लिखे थे कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, तो खाटा का रिवर्स उल्टा विलोम शब्द होता है तीखा या कड़वा, तो यह स्वाद में तीखा या कड़वा बीटर होता है। कड़वा को हम लोग अंग्रेजी में बीटर कहते हैं। नेक्स्ट तीन नंबर, इसका घोल साबुन जैसा तीखा होता है, छारक का जो घोल होता है वह साबुन जैसा तीखा होता है। नेक्स्ट है, यह मेथिल ऑरेंज को, यह मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है, यह मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। हम लोग अम्ल में यही चीज लिखे थे कि अम्ल मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है। नेक्स्ट पांच नंबर हम लोग लिखेंगे, बहुत सारा हम लोग लिख सकते हैं, पांच नंबर यहां पे लिखने का प्रयास कर रहे हैं। प्रबल भस्म, प्रबल भस्म विद्युत के सुचालक होते हैं। प्रबल भस्म के बारे में हम बताए थे प्रीवियस वीडियो में, प्रबल भस्म विद्युत के सुचालक होते हैं। यहाँ पे फिर एक बार हम लोग प्रबल भस्म के बारे में जानेंगे। प्रबल भस्म हम लोग उन भस्मों को कहते हैं जो जल में आसानी से घुल करके OH- आयन प्रदान करते हैं। नेक्स्ट सिक्स नंबर हम लिख रहे हैं, सिक्स नंबर में हम लोग लिखेंगे कि भस्म अम्ल से, यह गुण हम लोग उसमें भी लिखे थे, अम्ल में भी लिखे थे, भस्म अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। जब हम लोग भस्म का अम्ल से जब अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है, यानी हम लोग इसको रिएक्शन के रूप में लिख सकते हैं कि भस्म प्लस अम्ल एरोमा, हम लोग लिख सकते हैं लवण प्लस जल। कुछ हम लोग यहाँ के उदाहरण द्वारा इसको समझते हैं। तो कोई भी एक हम लोग भस्म जैसे सेलेक्ट करते हैं, जैसे NaOH हम लोग सेलेक्ट किए प्लस एक अम्ल ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक HCl, तो यह NaOH दो भाग में टूटेगा, Na प्लस OH- और यह टूटेगा H+Cl-, तो Na प्लस इसको Cl को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यह NaCl बनेगा और प्लस क्या बनेगा H2O। तो NaCl को हम लोग सोडियम क्लोराइड कहेंगे, यह नमक हुआ और यह जल हुआ, नमक लवण है, तो ये हम लोग यह क्या है, यह भस्म हुआ जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे, और यह अम्ल हुआ और यह लवण हुआ और यह क्या हुआ, जल हुआ। ऐसे हम लोग बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं, और भी हम लोग लेते हैं, जैसे एक हम भस्म लेते हैं MgOH2 प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल ही ले लेते हैं, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहेंगे। जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो यह टूटेगा Mg2+, आप सब समझ रहे हैं, 9th क्लास में हम बताए थे यह, और यह OH- होगा, और इसको जब तोड़ेंगे तो H+SO4 2- होगा, तो Mg2+ इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है, तो यह क्या होगा, MgSO4 होगा, MgSO4। या इसका 2+ है या 2-, तो 2+ से 2- कैंसिल हो जाएगा, तो यह MgSO4 और प्लस यह
OH माइनस और H प्लस मिल करके क्या बनेगा H2O। तो यह MgOH2S या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, यह सल्फ्यूरिक एसिड है और यह मैग्नीशियम सल्फेट है और यह क्या है जल है। तो आप समझ सकते हैं यह भस्म है, यह अम्ल है और यह लवण है और यह क्या है जल है। ऐसे हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो 7 नंबर पर हम लोग आते हैं, उसमें हम 6 ही गुण लिखे थे, और भी अम्ल में गुण लिखा जा सकता था। तो यहां पर एक और हम गुण बढ़ा देते हैं, भस्म का पीएच मान, ध्यान रहे हम लोग अम्ल में भी लिखे थे, भस्म का पीएच मान 7 से अधिक, उसमें हम लोग लिखे थे 7 से कम, भस्म का पीएच मान 7 से अधिक तथा पीओएच मान, आगे हम लोग समझेंगे पीएच मान और पीओएच मान के बारे में, सरेंसन साहब के द्वारा दिया गया था पीएच स्केल, भस्म का पीएच मान 7 से अधिक तथा पीओएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, इसका हम लोग ठीक रिवर्स लिखे थे, उल्टा लिखे थे कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम तथा पीओएच मान 7 से अधिक होता है, तो ठीक उसका हम लोग उल्टा लिखेंगे इसमें। आगे हम लोग कुछ भस्मों का नाम उसके रासायनिक सूत्र के साथ लिखते हैं। तो ऊपर हम हेडिंग देते हैं कुछ प्रमुख भस्मों के रासायनिक सूत्र, हम लोग इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं, एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं भस्म का नाम, भस्म के जगह पर हम लोग क्षारक भी लिख सकते हैं, और दूसरे तरफ हम लोग लिखते हैं रासायनिक सूत्र। दूसरे तरफ क्या लिखेंगे, यहां से लाइन हम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, बहुत सारा लिख सकते हैं हम लोग, कुछ चुनिंदा लिखेंगे। सबसे पहले लिखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस सूत्र की हम चर्चा किए थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र होता है NaOH, इसको हम लोग और नाम से भी जानते हैं कास्टिक सोडा भी कहते हैं, सभी लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं कास्टिक पोटास, आप सभी लोग नाम जरूर सुने होइएगा। नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला लिखिए सभी लोग CaOH2। नेक्स्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहां पे डॉटेड दे देते हैं MgOH2। नेक्स्ट बहुत सारा लिख सकते हैं एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग पढ़ेंगे इसका सूत्र AlOH थ्राइस। नेक्स्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है AlIOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, या डॉटेड ही देते हैं क्योंकि ऊपर सब सेम है, लिथियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो यह होगा BaOH2। इसके आगे हम लोग लिखते हैं एट नंबर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग लिखेंगे NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जिंक हाइड्रोक्साइड नहीं लिखे हैं, तो लिख सकते हैं जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, या ZnOH2 होगा। टेन नंबर में हम लोग लिखते हैं रूबिडियम हाइड्रोक्साइड, RbOH। दस तक ही रहने देते हैं, दस ही सूत्र काफी है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।